महापुरुषों के पद चिन्ह जिस कल्याण मार्ग की प्रेरणा देते हैं उसका अनुसरण मानव कल्याण की एकमात्र दिशा होती है। समय परिवर्तन हो जाने पर भी उनका इतिहास मौलिक आधार पर उन्नति एवं प्रगति का कारण होता है। ऐसे ही एक महापुरुष स्वामी श्रद्धानंद जी को हम सभी आर्य देश और राष्ट्र के उत्थान के लिए किए गए उनके कार्यों से याद करते हैं। इस नास्तिक युवक मुंशी राम का सन 1889 में बरेली में ऋषि दयानंद जी से साक्षात्कार हुआ और उसी दिन से मुंशी राम का जीवन कल्याण मार्ग की ओर धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। निर्भयता, वीरता और साहस से भरा उनका जीवन उनके जीवन की आत्माहूति के कठिन मार्ग की कहानी कहता है। स्वामी श्रद्धानंद जी आर्य समाज के प्रचार प्रसार में लगे सभी कार्यों को आगे बढ़ा रहे थे। एक दिन वो घर पहुंचते हैं। उनकी पुत्री दौड़कर उनके पास आती है। पिताजी, 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 आज मैंने ये गीत सीखा। हाँ हाँ बिटिया, सुनाओ। मैं भी तो सुनूं, मेरी बेटी ने कौन सा गीत सीखा है? एक बार ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल? ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। कहाँ से सीखा तुमने ये गीत? पिताजी, पिताजी, वो गीत तो मैंने पाठशाला में सीखा है। अच्छा, तो ये सिखाया जाता है इन पाठशालाओं में? पिताजी, पिताजी, बहन जी ने सभी को ये गीत सिखाया है। क्या? सभी को? ओ, लगता है अब समय आ ही गया है कि हमें अपने विद्यालय खोलने चाहिए। अगर हमने अब भी वैदिक विद्यालय ना खोले, बच्चों को सही शिक्षा देने की व्यवस्था ना की, तो समस्त हिंदू जाति विधर्मी हो जाएगी और हम कुछ ना कर सकेंगे। हिंदू जाति विधर्मी हो जाए और हम देखते रहें? ना, नहीं, ये उचित नहीं है। आर्ष वैदिक पद्धति के अनुसार बच्चों को शिक्षा मिले, ऐसी संकल्पना तो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने भी की थी। आज मैं भी संकल्प लेता हूं कि मैं अवश्य ही बालक व बालिकाओं के लिए गुरुकुलों की स्थापना करवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं अपना समस्त जीवन, समस्त पूंजी इसके लिए आहूत कर दूंगा। महर्षि दयानंद जी के इस अनन्य शिष्य ने बालकों के गुरुकुल के साथ साथ कन्याओं को भी शिक्षित करने पर बल दिया और कन्या गुरुकुल खुलवाए। उनका मानना था कि स्त्री को आत्मिक विद्या का वैसा ही अधिकार है जैसा पुरुषों को। जिस प्रकार बालकों को यज्ञोपवीत संस्कार होने पर गुरुकुल में भेजा जाता था, उसी प्रकार बालिकाओं के साथ भी व्यवहार हो, आर्य गुरुकुल खोलने का संकल्प स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया और सभी साधनों की व्यवस्था में जुट गए। उन्होंने आर्य सम्मेलनों में लोगों को समझाना शुरू किया। शिक्षा पर कुछ सुना है भाइयों, हमें बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की शिक्षा? जा तो रहे हैं बच्चे पाठशालाओं में पढ़ने। आपने देखा है महाशय क्या पढ़ाया जा रहा है इन पाठशालाओं में?
हाँ भाई, मुंशी राम जी सही कह रहे हैं। मुझे भी पता चला है कि इन पाठशालाओं में हमारी पुत्रियों को क्या पढ़ाया जा रहा है। अच्छा भाइयों, मैंने संकल्प किया है कि मैं बच्चों को वैदिक रीति से शिक्षा दिलवाने के लिए गुरुकुल खुलवाऊंगा। मुंशी राम, संकल्प तो अच्छा है तुम्हारा, समाज के हित में है, लेकिन इसे पूरा कैसे करोगे? आप सभी के सहयोग से। हाँ आइए, आज से ही दान इकट्ठा करना शुरू करें। मैं पहल करता हूं, ये लीजिए। इस प्रकार जगह जगह सभाओं में दान की अपील होती है और जालंधर में पहली आर्य पुत्री पाठशाला खोल दी जाती है। मुंशी राम जी बालिकाओं को आर्य कन्या पाठशाला में जाते देखते प्रसन्न होते और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए परमात्मा से विनती करते। हाँ, आज परमात्मा की कृपा से ये गुरुकुल तो शुरू हुआ। महर्षि दयानंद जी ने जो सपना देखा था वो कुछ तो आज पूर्ण हुआ। हे परमात्मा, मुझे शक्ति देना कि मैं और गुरुकुल खुलवाने के लिए भी प्रयास कर सकूं, ताकि सही शिक्षा के माध्यम से भावी पीढ़ियों की राह अग्रसर हो सके। मुंशी राम जी ने अपनी धन संपत्ति का लगभग सारा हिस्सा इन गुरुकुलों को खुलवाने के लिए दान दे दिया। संपत्ति के नाम पर अब उनके पास जालंधर की कोठी और प्रेस बची थी। वो लोगों से दान एकत्रित करने में निरंतर लगे रहे। मुंशी राम अपने कुछ साथियों के साथ किसी सेठ के यहां दान मांगने जाते हैं। देखिए, हमें सेठ जी से मिलना है। आप बैठिए, मैं देखता हूं। सेठ जी। हाँ। कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। हैं? कुछ लोग आए? कौन आ गया? अब दान मांगने ही आए होंगे। ए, सुनो जी, तुम ऐसा करो, उनसे जाकर कह दो कि सेठ जी बीमार हैं। हैं? हाँ? जाओ जाओ जाओ, आपसे नहीं मिल सकते, कह देना, जाओ जाओ। ठीक है मालिक साहब, मालिक का तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो आपसे नहीं मिल सकेंगे। क्या? अच्छा, कोई बात नहीं भाई, हम चलते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। इस घटना से उन्हें झटका लगा। उन्होंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं अभी उनके समर्पण में कमी है। उन्होंने आत्ममंथन किया लेकिन लोगों से मिलना नहीं छोड़ा। जब वो लोगों से मिलते तो कहीं उन्हें निराशा हाथ लगती तो कहीं दानवीर लोग उनका साथ भी देते। इसी कड़ी में उन्हें पता लगा कि अमन सिंह नामक व्यक्ति गुरुकुल खोलने के लिए भूमि दान देना चाहते हैं। उन्होंने उनसे संपर्क किया। और इस प्रकार कांगड़ी नामक ग्राम में उन्हें भूमि गुरुकुल के लिए आर्य समाज को मिल गई। उनके अथक प्रयासों से गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हो गई। आर्य गुरुकुल में आर्यों ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। बच्चे शिक्षा ग्रहण करने लगे। यह गुरुकुल कांगड़ी के वार्षिकोत्सव का समय था। गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावक
इस उत्सव में भाग लेने के लिए आए। सुनिए, आपने हमारे बेटे को इस गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा है? हाँ, और मेरा फैसला बिल्कुल अच्छा है। यहाँ जंगल में घास फूस जंगली जानवरों के बीच में बच्चों को पढ़ाना आपका फैसला अच्छा कैसे हो सकता है? क्यों, गुरुकुल की शिक्षा को तो महर्षि दयानंद जी ने भी अच्छा बताया है। बताया होगा जी, लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ जंगलों में इतने अभावों में पढ़ लिख कर मेरा बेटा क्या बन पाएगा? हमारा बेटा संस्कारवान बनेगा, और जब संस्कार उत्तम होंगे तो फिर जीवन में कुछ भी पा लेना कौन सा मुश्किल होगा। आप कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। क्या नहीं समझ आता? बड़ा होकर क्या बनेगा ये यहाँ पढ़कर? भगवान देखो, महात्मा मुंशी राम जी के भी दोनों बेटे यहाँ ही शिक्षा पा रहे हैं। उनकी क्या बात करते हो, उनके बेटों के लिए तो उन्होंने जालंधर में कोठी और प्रेस सुरक्षित की हुई है। ओहो, तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो जी, उनके बेटे तो बेशक कुछ ना बन पाए, उनका तो भविष्य सुरक्षित है। कैसे? एक बेटे को वो कोठी दे देंगे और एक को प्रेस, इससे वो कुछ तो कर ही लेंगे, लेकिन हमारा बेटा क्या करेगा? गुरुकुल खोलने के यज्ञ में मैंने अपना सर्वस्व आहूत करने का संकल्प लिया था, लेकिन शायद अभी कुछ शेष है। समय बीतता है और यह बात उन्हें समय समय पर परेशान भी करती है। कुछ समय बाद काफी सोच विचार कर मुंशी राम जी ने एक बड़ा संकल्प अपने मन में लिया। क्या था उनका यह विचार, ये मंथन, ये संकल्प, आइए देखें। श्रद्धानंद जी अपने पुत्रों को अपने कक्ष में बुलवाते हैं। मैंने वहां मेज पर एक कागज लिखकर रखा है, उसे पढ़ो। यदि तुम इससे सहमत हो तो इस पर हस्ताक्षर कर दो। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार अपने जीवन में वैदिक धर्म की सेवा की है। ऋषि स्वामी दयानंद जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके वैदिक धर्म के पुनरुद्धार और आर्य जाति के उत्थान के लिए गुरुकुल का संचालन करता रहा। मैंने गुरुकुल के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी है, परंतु अब मुझे अनुभव हो रहा है अब तक का मेरा प्रयत्न अधूरा था। मैंने गुरुकुल के लिए सब कुछ नहीं दिया। जालंधर में मेरा जो मकान है वो पुश्तैनी नहीं है, अपनी कमाई से बनाया है। उसमें अभी तक मेरे ममता विद्यमान है, मैं उसे भी मिटा देना चाहता हूं। इस कारण मैं इस दान पत्र द्वारा वो संपत्ति गुरुकुल कांगड़ी के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को समर्पित करता हूं। यदि तुम्हें इसमें कोई आपत्ति ना हो तो वैसा लिखकर दोनों भाई नीचे अपने हस्ताक्षर कर दो। आर्य जाति के उत्थान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले उस कर्मठ पिता के योग्य पुत्रों ने बिना किसी प्रश्न के इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ये तो तुम्हें मालूम होगा
कि ये कोठी और प्रेस मेरी अंतिम भौतिक संपत्ति थी। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई संपत्ति शेष नहीं है। तुम दोनों चाहो तो अब भी आपत्ति कर सकते हो। पिता की भावनाओं की गहराई पुत्र से अधिक कौन जान सकता है। गुरुकुल के अगले वार्षिकोत्सव में उन्होंने ये दान पत्र सभा को समर्पित कर दिया। उनके संकल्प की संरचना से आर्य कन्या गुरुकुल व गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की स्थापना हो पाई, जिसके लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज यही गुरुकुल कांगड़ी शिक्षा की सर्वश्रेष्ठता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अगर अपना सर्वस्व इस महायज्ञ में आहूत न किया होता तो गुरुकुल का कार्य बुलंदियों पर न होता। इस अवसर पर हम सभी स्वामी श्रद्धानंद जी को उनके इस योगदान के लिए याद करते हैं, नमन करते हैं। आर्य होते ही लगन के पक्के हैं, इसीलिए तो कहा गया है